टेस्ट और वनडे में 100 सेंचुरी बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो T20 में कोई सेंचुरी उनके नाम नहीं है, और तो और वो महज एक मैच खेले हैं जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसमें उन्होंने 10 रन की पारी खेली थी। लेकिन IPL में उन्होंने अपनी भड़ास पूरी तरह से निकाली। कोची टस्कर्स से मुकाबला था मुंबई इंडियंस का, कोची टस्कर्स के कप्तान थे महिला जयवर्धने और सचिन तेंदुलकर थे मुंबई इंडियंस के कप्तान। तो टॉस जीता महिला जयवर्धने ने और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस की ओर से सचिन तेंदुलकर ने पारी की शुरुआत की और उनके साथ थे डेवी जैकब्स, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गए गोमेस की गेंद पर 12 रन बनाकर। और सचिन तेंदुलकर ने रायडू ने 53 रन बनाए थे और उनके साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, दूसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़े थे इन दोनों बल्लेबाजों ने। और इस तरह से जब मैच की आखिरी मतलब पारी की आखिरी गेंद फेंकी जा रही थी तो एक रन महज चाहिए था, और एक रन सहजता के साथ पूरा करके 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे सचिन तेंदुलकर उस पारी में। और उसके बाद जो स्कोर था कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस का 2 विकेट पर 182 रन, 20 ओवर के मैच में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन इसके बाद जो है पारी शुरू हुई थी कोची टस्कर्स की। जी हाँ, कोची टस्कर्स की ओर से ब्रेंडन मैकुलम अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। 81 रन की उन्होंने पारी खेली और महिला जयवर्धने ने 56 रन की पारी खेली, और दोनों ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। और बाद के ओवरों में रविंद्र जडेजा आए, 25 रन उन्होंने बनाए कुछ 11 गेंदों पर, और इस तरह से वो मैच जो है कोची टस्कर्स जीत गया। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर की सारी मेहनत जो है, सारी सेंचुरी वो बेकार चली गई। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि T20 फॉर्मेट, जो कि उनका फॉर्मेट नहीं माना जाता था, IPL में वो कमाल करने में कामयाब हो गए जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाए थे, यानी सेंचुरी बनाने का। और ये IPL मैं आपको याद दिला दूँ, 2011 का वही IPL था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने रन बनाने के मामले में वो तीसरे स्थान पर रहे थे क्रिस गेल और विराट कोहली के बाद। उन्होंने बहुत ही 500 से कुछ ज़्यादा रन बनाए थे और उनकी बल्लेबाजी को खूब सराहा गया था T20 फॉर्मेट में भी। है ना मज़ेदार? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।